हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम हुदा हम बशर सुगैस लेकर आ गए हैं इब्रार भाई का अगला वीडियो। पिछले सीन में वो तमिलनाडु पहुंच गए थे और क्या कमाल के व्लॉग एंजॉय कर रहे हैं। हम साथ साथ इंडिया को विजिट कर रहे हैं तो मजा आ रहा है। आज हम देखने लगे हैं उससे आगे की जर्नी कैसे होने लगी है इनकी। बिना किस देरी के देखते हैं ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में कमेंट करते हैं। सो वेलकम टू मैसूर पैलेस। और यहाँ पे पहले थी वादियार डायनेस्टी, उसके बाद 18वीं सेंचुरी के एंड पे यहाँ पे हैदर अली और टीपू सुल्तान आए। इस जगह को कहते हैं जी मैरिज हॉल, और इसकी शेप से मुझे ऐसे लग रहा है जो बाहर जो है वो कॉलम्स वगैरह बने हुए हैं। नाउ ये वाला जो है इसका हिस्सा है प्रोबेबली दी मोस्ट ब्यूटीफुल। और आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपको आइडिया होता है कि कलर जो है वो कितना मैटर करता है। यहाँ पे हमारी बिरयानी आ गई है, लेकिन अकरम भाई जो है ना उनसे वेट नहीं हुआ जा रहा। उनको क्या पता कि हम लोग जी अभी इस टाइम हैं मंडी मोहल्ला में, जो कि आप कह सकते हैं कि मेनली जो है वो मुस्लिम एरिया है। कर्नाटका का काफ़ी वो भी एक टॉप क्लीनेस्ट सिटीज में आता है भारत की, मैसूर इंडिया। अच्छा मैसूर पहुंच गए हैं आप या अभी निकलेंगे वहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल सब लोगों को मेरी तरफ से तिरुपुर तमिलनाडु से। कल हम यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड तौर पे आए थे, हमने कुछ प्लान नहीं किया था। हम लोगों ने जाना था मैसूर की तरफ, लेकिन मैसूर के रास्ते में एक चेक पोस्ट आती है, एनिमल क्रॉसिंग होती है, क्योंकि नेशनल पार्क से रास्ता जाता है तो उसको बंद कर देते हैं, रात को वहाँ से नहीं गुजर सकते, सुबह जो है वो खुल जाती है। तो आज हम जो है वो आगे मैसूर की तरफ अपनी राइड जो है वो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से तकरीबन कोई 186 किलोमीटर है, जिसपे नेविगेशन बता रही है कि 4.5 से 5 घंटे हमारा टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह हम जो है अराउंड जो है ना मिड डे वहाँ पे पहुँच जाएंगे, वहाँ पे सीधा जाएंगे मैसूर पैलेस की तरफ, वो आप लोगों को दिखाएंगे। हम लोग जी रेडी हैं। फास्टैग जो है ये देखिए अपनी बाइक पे इधर से आ गया है, और मैंने अपनी बाइक पे सामान जो है वो इधर लगा दिया है, बिल्कुल होटल के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ से हमने सुबह सुबह जो है वो दोबारा साउथ इंडियन नाश्ता किया, क्योंकि तमिलनाडु में मैंने कहा आए हैं तो एक बार इनका भी नाश्ता ट्राई करें। और अभी निकलते हैं और आप लोगों को सारी कहानी सुनाते हैं। बहुत ट्रैफिक है और शोर जो है आप सुन रहे हैं, उम्मीद है मेरी आवाज़ सही आ रही होगी आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानअल्लाह जी सखरलना हाजा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन वा इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खरीय से हमारा ये दिन गुजरे और बहुत अच्छा गुजरे। और जिस तरह हमने आज प्लान किया उसके मुताबिक जो है पहले तो मैसूर जाएंगे, और उसके बाद का हमने कोई प्लान नहीं किया कि हम क्या करेंगे। इरादा ये कि वहाँ पर रात ना रुकें, कुछ ना कुछ डिस्टेंस जो है वो कवर कर लें। और राइड शुरू होते ही मैंने अपने बंदे को ना यहाँ पे घुमा दिया है, वो शायद मेरे से थोड़ा सा आगे निकल गया है, ट्रैफिक की वजह से ना पता नहीं चलता। तो कोशिश यही होती है कि अगर हम सिटी से ज़रा टाइमली निकल जाएं तो आगे जो है रूट भी अच्छा होगा। आई थिंक अगर नेशनल पार्क में से गुजर के जा रहा है तो शायद सीनरी जो है वो ज़्यादा प्यारी होगी। तो नेविगेशन के लिए तो मैं गूगल ही यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक सही चल रहा है। कभी कभी छोटे छोटे से मसले आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है अगर हम कोई रास्ता वगैरह डालें या कोई होटल का एड्रेस या रेस्टोरेंट का, तो वो चल रहा है। आप कह सकते हैं कि 90% जो है ना एक्यूरेसी रेट यहाँ पे है। कुछ जगहों पे कुछ कंट्रीज़ में ज़रा मसला करता है, लेकिन इधर सही है। अभी हमने लगना है हाईवे पे, लोग ऑलमोस्ट बाहर आ चुके हैं फाइनली। और मैं हमेशा जो है वो आप लोगों से वो रिक्वेस्ट करना भूल जाता हूँ कि काइंडली अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेके लाइक का बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपके कोई जानने वाला इस तरह के कॉन्टेंट में इंटरेस्टेड है तो उनके साथ जो है वो शेयर भी कर दें। अभी हम लोग जी छोटे छोटे गांव में से जो है ना वो अपना रास्ता लेते हुए आगे निकल रहे हैं मैसूर की तरफ। और मुझे लगता है कि अगला जो हमारा सफ़र होगा वो मोस्टली इसी तरह के छोटे छोटे इंटरेस्टिंग गांव में से ही गुजरते हम लोग जाएंगे। और ये आप कह सकते हैं कि इंडिया में ट्रैवल करने के लिए एक खूबसूरती ये भी है
कि आप एक लम्हा जो है वो ट्रैफिक में फंसे होते हैं, वहाँ से आप सिटी से बाहर निकलते हैं, ट्रैफिक कम हो जाती है आपको। यहाँ पे आप देखिए तो कोकोनट ट्रीज है, पाम ट्रीज है, तो वो एक नेचर और साथ साथ जो है ना वो इंटरेस्टिंग है आपको, जो वो विलेज लाइफ और ये वो सारी चीज़ें जो वो देखने को मिल रही होती हैं। और मुझे जब राइड कर रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें ना बहुत फैसिनेट करती हैं, बजाय ये कि आप हाईवे पे चढ़े और इधर उधर देखने के लिए कुछ ना हो। ऑफ़ कोर्स वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए वही बेहतर होता है कि अगर आप शॉर्ट ऑन टाइम और आप कहते हैं कि मैंने किलोमीटर कवर करने हैं। यहाँ पे सामने जो है काफ़ी लोग आ रहे हैं, लेकिन कोई एहतजाज कुछ इस तरह नहीं लगता। ये आई एम नॉट श्योर कौन है टू बी ऑनेस्ट, उनके हाथ में कोई वो होता है ना कि कोई उन्होंने उठाए होते हैं साइन बोर्ड या कुछ इस तरह की चीज़, जो है वो कुछ भी नहीं था। और अभी चेक करें यार, कितने खूबसूरत छोटे छोटे जो है वो खेत आ गए यहाँ पे कोकोनट। और ये सारा एरिया अभी तक हमने, सिवाय जो हम किसी सिटी छोटे से गुजरते हैं या कस्बे से, उसके अलावा जितनी भी राइड चल रही है वो इसी तरह ना एग्रीकल्चर फील्ड्स के पास से ही चल रही है। और गांव वाली फील आती है, मतलब मैं खुद गांव से हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें देख के ना अच्छा लगता है। बड़े अरसे से जर्मनी में रह रहे हैं और एक बहुत सारी जो है वो सिमिलैरिटीज़ है। हम लोग ये भी पहुंच गए हैं बनारी में, और ये मेरे ख्याल में वही जगह है जहाँ पे चेक पोस्ट है, और इधर जो है वो बनारी टेंपल है। और मुझे लगता है कि यही चेक पोस्ट है जो रात के टाइम जो है वो बंद कर देते हैं। तो कल अगर हम रात को आते ना तो यहाँ भी इन्होंने हमें रोक के कहना था कि बस यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते, तो इसलिए हम पीछे रुके हैं, क्योंकि इधर कोई होटल वगैरह हमें रास्ते में वाकई में नज़र भी नहीं आया। तो ये है जी वेलकम टू सत्या मंगलम टाइगर रिजर्व है, तो हो सकता है कि हमें जो है कोई टाइगर भी यहाँ पे नज़र आ जाए, जो कि मुझे नहीं लगता हमें नज़र आएंगे। ठीक है, ऐसे देख के कि लेडीज़ जो हैं वो खुद राइड करके जहाँ पे उनका दिल करे जो है वो जा सकती हैं अपनी मर्जी से। बहुत सारी जगहों पे जो है ना वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और इस ट्रैफिक में फिर इस तरह जो है वो बाइक चलाना, हिम्मत है यार, मेरे जैसे बंदे की बस हो जाती है। सही बात, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत है। अब खाने के लिए रुके, यहाँ पे जी हमारी चाय आ गई है। ये क्या बन रहा है? पता नहीं ये क्या है, ये कुकीज़ सी लग रही है ना, बिस्किट्स और कुछ चीज है, ये और कुछ चीज है, इधर की अलग चीज होगी, पता नहीं है क्या, मुझे नहीं खुद पता। ये है जी एक चीज, इसे कहते हैं तातबड़ाई, ब्राउन सी चीज है, और अब मुझे लग रहा है कि वो चने की दाल जिस तरह बनती है ना, चने से ही बनी हुई है शायद ये, और उसके साथ ये वाली एक और चीज़ है, ये इसे कहते हैं मुर्ग। तो ये यहाँ पे बना रहे हैं, हम जो है वो चाय के साथ ये ले रहे हैं, स्पाइसी वगैरह नहीं है, बस आप कह सकते हैं कि स्नैक्स जिस तरह नहीं होते नॉर्मल, क्रंची क्रंची, क्रिस्पी है लेकिन क्रंची क्रिस्पी। अब हमने जो है वो नीचे ही उतरना है, देखते हैं कि अगले हमारे किलोमीटर जो है वो कितने इस नेशनल पार्क में से होंगे। ये नेशनल पार्क कितना बड़ा है? नेशनल पार्क बहुत बड़ा है। और यहाँ पे जी पार्क रेंजर्स जो है वो घूम रही है, चेक कर रहे हैं, क्या पता हमें एक वाइल्ड एनिमल नजर आ ही जाए। और मुझे लगता है कि दिन के टाइम जो है ना वो इन रोड्स के करीब भी नहीं आते होंगे, शोर इतना होता है।
तो दूर दूर ही रहते हैं। अच्छा यहाँ पे आप देखे ना साइडों पे इन्होंने ना ऊपर तक जो है वो जंगला लगाया हुआ है, कुछ एरियाज को जो है ना वो फुली कवर किया हुआ था। हो सकता है कि जानवरों की वजह से किया हो कि वो अंदर ना आ सके। वैसे तो ये पूरा गांव है इधर, यहाँ पे तो आ जाते होंगे वैसे ही। सो अब हम लोग लगता है कि नेशनल पार्क से बाहर वाले जो चेक पोस्ट है उस पे पहुँच गए हैं। और इसके साथ ही जी हम लोग तमिलनाडु को खैरबाद कहते हैं और स्टेट ऑफ कर्नाटका में आप लोगों का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, खुश आमदीद। तो लेट्स सी अब हमारा जो है इस स्टेट का सफर जो है वो कैसा रहता है। हम लोग जी मैसूर की सराउंडिंग में पहुंच चुके हैं और मैंने जो एड्रेस डाला है वो मैसूर पैलेस का है। यहाँ पे लेक चेक करें और इधर उधर जो है वो ग्रीनरी हरियाली बहुत ही मजे की आज हमारी राइड रही है। पूरे रस्ते जो है वो इसी तरह ग्रीनरी देखने को मिली है। तो मे भी हम अभी कुछ 2-3 मिनट के अंदर जो है मैसूर सिटी में इंटर हो जाएंगे, क्योंकि जो एड्रेस है वो पैलेस का है। तो पैलेस के वो थोड़े मैंने कुछ ज्यादा गौर नहीं किया, लगा एड्रेस डालते हैं वहाँ पहुँचते हैं। वो सिंगल साइड है मतलब पैलेस के लिए शायद जब टाइमिंग्स हो। अभी हमारे पास यहाँ पे 3 बजने वाले हैं, तकरीबन कोई 4 से लेके 5-6 घंटे की हमारी राइड रही है यहाँ तक। 2-3 ब्रेक्स दरमियान में ली है। तो 186 किलोमीटर सुबह नेविगेशन बता रही थी। बस हम लोग अभी पहुंचने ही वाले हैं। ये है जी मैसूर सिटी कॉरपोरेशन, अच्छा सिटी ऑफिस है मैसूर का। चले जी अब फील आ रही है कि आप किसी जो है ना ओल्ड सिटी में इंटर हो गए हैं। ये राइट साइड वाली बिल्डिंग चेक करें ना, इधर 200 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं, 400 साल। ये सामने आ गया होटल। यहाँ पे हमारे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर भी आए हुए हैं बेंगलोर से। ये उनकी बाइक है G310। सलाम अलैकुम अकरम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? मैं हेलमेट उतार लूं फिर मिलते हैं। सो कार्तिकेयन इज फ्रॉम तमिलनाडु इज ट्रैवलिंग विद मी। सो वेलकम टू मैसूर पैलेस। और आज के व्लॉग में मैं कोशिश करूंगा ना सिर्फ आपको मैसूर जो है पैलेस दिखाऊं, बल्कि इसकी थोड़ी सी जो है वो हिस्ट्री भी बताऊंगा। मैसूर के बारे में बताता चलूं कि ये किंगडम ऑफ मैसूर का कैपिटल हुआ करता था तकरीबन 600 साल तक। और यहाँ पे पहले थी वादियार डायनेस्टी, उसके बाद 18वीं सेंचुरी के एंड पे यहाँ पे हैदर अली और टीपू सुल्तान आए और ये जो पैलेस था ये उनकी सीट हुआ करती थी। बाद में आपको पता है कि यहाँ पे ब्रिटिश राज आया। तो ये पैलेस आप देखें तो बहुत बड़ा पैलेस है और चारों तरफ जो है ना इसके वॉल है। हो सकता है कि जो सिटी वॉल हुआ करती थी शायद जो है वो तब यही हुआ करती थी। इधर जो है ना वो साइडों पे मुझे कुछ टेंपल्स वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि हम जाके अंदर से ज़रा इसकी जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं वो देखें और आप लोगों के साथ शेयर करें। बताता चलूं कि ये इंडिया में सेकंड मोस्ट विजिटेड प्लेस है आफ्टर ताजमहल। 6 मिलियन के बाद विजिट करते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था लेकिन 6 मिलियन गूगल किया तो उससे आइडिया हुआ। तो हम आपको जो है वो सेकंड मोस्ट विजिटेड प्लेस जो है आज के ब्लॉग ये मतलब ताजमहल के बाद सेकंड मोस्ट विजिटेड प्लेस। हाय हाय हाय, इधर से इतना कमाल का लग रहा है सच बताऊं। बाइक के थ्रू हम भी देख रहे हैं यार, इंडिया कैसा प्यारा है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। हां
बहुत बड़ा पैलेस है। सही बोल रहे, लोग ही लोग हैं। कितना प्यारा है यार। अच्छा, ये ताजमहल के पास सेकंड मॉस्क पंखे लगे हुए जगह जगह। कितनों का मॉल का यार पहले से, सच में बताऊं कोई कह सकता है कि इतना पुराना ये पहले से। ये लग ही नहीं रहा इतना पुराना है भाई। हाँ, तो क्या कमाल का लग रहा है यार। ये है जी मैसूर पैलेस की एंट्रेंस, और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे जो है वो छोटे छोटे से उन्होंने ना कॉलम्स बना के जो है वो बहुत ही खूबसूरत जो है वो एंट्रेंस बनाई हुई है। और इसकी बिल्कुल दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि यहाँ के किंग के टाइम पे जो है ना यहाँ से उन्होंने मिली थी, या उन्होंने शायद जो है ना टाइम के साथ सिर्फ यहाँ पे रखी हुई थी। तब उन्होंने जो है ना वो पब्लिक के लिए खोली यहाँ पे दिखाने के लिए जो है वो सामने। भाई कितना ब्यूटीफुल है यार। सही बोल रहे। अच्छा, कलाकारी कैसे हुई है वॉल्स पर भी, मतलब आप भाई रूफ देखो ना आप। भाई सही बोल रहे। देखें यार क्या इम्प्रेसिव पैलेस है। अभी आपको लेके चलते हैं और आगे जो है ना पूरा जो है इसका व्यू दिखाते हैं। मेन जो पैलेस है ना वो मुझे लगता है कि यार शायद जो है ना वो ये वाला इसका एरिया, या हो सकता है कि हमारे लिए सरप्राइजेज हो। ये मेन एरिया, इस जगह को कहते हैं जी मैरिज हॉल। और इसकी शेप से मुझे ऐसे लग रहा है जो बाहर जो है वो कॉलम्स वगैरह बने हुए हैं कि ये शायद जो है ना वो मंडप है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और बिल्कुल दरमियान में जो है वो शैंडलियर लगा हुआ है। इसके अंदर जो है वो विजिटर्स को जाने की इजाज़त नहीं है, बाहर से कॉरिडोर से जो है ना वो आप देख सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत इम्प्रेसिव जो इसके कॉलम्स हैं वो जो मोस्टली उन्होंने ग्रीन और गोल्ड कलर से जो है ना इसको डेकोरेट किया हुआ है। सुल्तान ने बोला ना भाई सेल की एक दिन की जिंदगी बीतल गई, सो साल दिन बेहतर। ये रूम है जी जिसके अंदर यहाँ पे नज़र आएंगी दो सिल्वर की कुर्सियाँ रखी हुई हैं, और उनके दरमियान में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, एलिफेंट के जो दांत है ना टस्क, वो उन्होंने लगा के और उसके दरमियान में एक बहुत ही खूबसूरत सी जो है वो पेंटिंग बनी हुई है। ना सिर्फ इस रूम का बल्कि बहुत सारे कैसल में जो दरवाजे हैं या लकड़ी का काम हुआ है वो सारा कुछ जो है वो टीक वुड से हुआ है, और बहुत ही इम्प्रेसिव बड़ा ही डिटेल्ड वर्क है। मेंटेन चीज रख के रखते हैं ना भाई, तब भी तो अपनी हिस्ट्री को सिक्योर किया। सही बात है, मतलब रूट टूट गया सब। लोग कितने आए हुए हैं, ये देखो एक एक चीज कितनी भाई सुरक्षित लग रही है। बड़ा जो इसका हिस्सा है प्रोबेबली द मोस्ट ब्यूटीफुल। और आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपको आइडिया होता है कि कलर जो है वो कितना मैटर करता है, स्पेशली ये जो फिरोजी कलर हुआ हुआ क्या जान डालता है इस जगह में। और इसको कहते हैं जी दरबार हॉल। बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे कॉलम्स बने हुए हैं, इसका स्टाइल जो है वो टिपिकल जिस तरह नीचे जो उन्होंने बरामदे में बनाए हुए थे उसी तरह के है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डिटेल वर्क है, ज़्यादा कलर्स हैं और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सारे पिक्चर और इधर पिक्चर बननी भी चाहिए भाई, जगह ही ऐसी है। वैसे कौन कौन इधर गया प्लीज बताना। ये देखो भाई कलाकारी का नमूना है ये पहले से। सही बोला। हाँ सही बोला।
हम लोग जी अभी कैसल से आ गए हैं बाहर, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो हमने कैसल का टूर दिया पसंद आया होगा। बहुत रश था, जैसा कि गूगल बता रहा था कि 6 मिलियन लोग आते हैं, तो हो सकता है जी अगर इतने लोग आते हैं तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी। बाकी एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि ये कैसल अगर आप देखें तो बिल्कुल जो है ना इसकी कंस्ट्रक्शन नई नई सी लग रही है, क्योंकि ये 1912 में जो है वो कंप्लीट हुआ था, तो ये तकरीबन कोई 110 साल 112 साल जो है वो पुराना है। और इससे पहले जो कैसल यहाँ पे थे वो मोस्टली जो है वो लकड़ी के बने हुए थे, तो जिनको टाइम के साथ साथ जो है ना जब भी आग लगती थी तो वो दोबारा जो है वो बनाया जाता था, लेकिन ये कैसल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट बनाया गया था। टांगे अभी भी बहुत संभाल गया। सिस्टम अगर खत्म हो गया तो अभी भी चल रहा नहीं। यहाँ पे हमारी बिरयानी आ गई है, लेकिन अकरम भाई जो है ना उनसे वेट नहीं हुआ जा रहा, उनको क्या पता कि खाना खाने से पहले लोगों को दिखाना होता है यार। आप खाएं जी खाना। ये आ गई है जी हमारे सामने बिरयानी, मेरे पास है चिकन बिरयानी। हाँ यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है चिकन जो है ना, तभी ट्राई करते हैं यहाँ की मैसूर की बिरयानी कैसी है। और इधर जो है कुछ स्पेशल इनकी डिश है, यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या नाम है इसका, चटपटा चटपटे। अच्छा अच्छा, सो मैंने अभी तक इंडिया में एक बार भी बिरयानी नहीं खाई, मैंने खानी तो है, हैदराबाद स्पेशल जाना है, लेकिन चलो ट्राई करते हैं मैसूर की बिरयानी किस तरह की। हम लोग जी अभी इस टाइम है मंडी मोहल्ला में, जो कि आप कह सकते हैं कि मेनली जो है वो मुस्लिम एरिया है, और जिस जगह पे हम स्पेसिफिकली अभी खड़े हैं इसे कहते हैं मीना बाज़ार। शायद आप लोगों को नाम से आइडिया हो रहा था कि वो बाज़ार जिससे आपको ऑलमोस्ट हर तरह की चीज़ जो आपको चाहिए होगी मिल जाती है। यहाँ पे शादी ब्याह से लेके कैजुअल कुछ भी आपको चाहिए होगा बड़ी आसानी से मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा जो है वो शॉप्स यहाँ पे हैं, और इस टाइम क्योंकि ज़रा वो रश आवर से चल रहा है, शाम का टाइम है, लोग जो है ना वो खरीदो फरोख्त करने के लिए निकले हुए हैं, तो मेरे लिए पर्सनली ये बड़ा एक डिफरेंस एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इंडिया में फर्स्ट टाइम जो है वो इस तरह का कोई बाज़ार जो है वो विज़िट कर रहा हूँ। ऐसे के साथ यार गाइस ये वीडियो खत्म, अब आगे हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन यार मजा आ गया मैसूर पैलेस पास्ता हमने देखा वाकई में, और क्या ब्यूटी थी यार, स्पेशली पैलेस का मैं कहता हूँ दीवाने हो गए हम, क्या कमाल लग रहा था। और तेलंगाना की ब्यूटी अपनी थी, कर्नाटक की अपनी यार, तेलंगाना में कोकोनट के ट्रीज वगैरह और बनाना वगैरह के मतलब ये बहुत ज्यादा थे, और बिरयानी पहली बार इन्होंने खाई है अभी तक, जब से लिए हैं फर्स्ट टाइम बिरयानी खाई है, क्योंकि हर जगह के जो अपने टेस्ट हैं वो चख रहे हैं। तो चलो और भाई बड़ा हैरान हुआ कि उधर लेडीज मतलब ज्यादा बाइक्स वगैरह चला रही है, इंडिया में अब कॉमन बहुत ज्यादा हो गया, पाकिस्तान में पाकिस्तान में ये चीज देखने को नहीं मिलती, और भी कई कंट्रीज में ये देखने को नहीं मिलता, सऊदी अरब नहीं मिलता, इससे पता चलता है कि इंडिया कितना जो है ना आगे निकल चुका है इस मामले में, वुमेन एम्पावरमेंट के मामले में। खाने शाने उधर के ट्राई किए, डिफरेंट डिफरेंट खाने थे, और फिर मैसूर पहले से सोने पे स्वागत, और मैं सच्ची बात बहुत अच्छा स्पेशली यार वाकई वो नेशनल पार्क देखा था, वो तुम्हें पता जानवर दिन को तो आते नहीं है, रात को ही निकल, इसलिए वो बंद भी कर यार इनके थ्रू हम खुद भारत को देख रहे हैं, और बहुत मजा आ रहा है यार, मैं आपको बता नहीं सकता यार, हम सच में ये बोलते हैं हमें पता चल गया है, आप हर 100-150 किलोमीटर के बाद आपको कल्चर चेंज हो जाता है, आपको चेंज आएगा, आपको खाने अलग नजर आएंगे, आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस भी अलग से नजर आएंगे, मतलब वातावरण माहौल लैंडस्केप भी चेंज हो जाता है 100 किलोमीटर, गर्मी ठंडी सब कुछ चेंज हो जाता है भाई, कैसा मौसम उधर होता है हर चीज उधर चेंज हो जाती है, भारत बहुत डाइवर्स कंट्री है, बहुत ज्यादा है, ये भी इनके थ्रू हमें एक्सपीरियंस हो रहा है। गाइस आपके क्या कहना है, अपने राय कमेंट सेक्शन में दें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो यार बाय।